बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब काफी प्राउड फीलिंग आ रही है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को, मेरे गुरु को और मेरे भगवान को, कि उनकी एनर्जी ने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, और मेरे आसपास के लोग, जैसे मैं बताऊँ अपने क्लाइंट्स की बात करूँ, जैसे मैं उनकी हेल्प करती थी, वो मुझे इतना अच्छा अच्छा फीडबैक्स देते थे, तो यही एक मोटिवेशन रहा है। तो फिर रिकॉर्ड बनाया, काफी अच्छी फीलिंग है। अभी और भी मैं चाहती हूँ कि रिकॉर्ड्स बनाऊँ, जैसे मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि यंगेस्ट में भी मैं उसमें भी अप्लाई करना चाहूंगी। फुल इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में भी मेरे से क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं और उन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इवन मेरे कुरियर्स भी जाते रहते क्रिस्टल्स के। बुरहानपुर की रहने वाली 19 साल की लड़की सिद्धि बरोले ने कमाल कर दिखाया है। सिद्धि ने नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में टैरो कार्ड रीडर के तहत अपना नाम दर्ज कराया है। सिद्धि 7 विधाओं से लोगों का समाधान करती है। उसने 21 वर्षीय एक युवक के द्वारा बनाए गए टैरो कार्ड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सिद्धि की उम्र मात्र 19 वर्ष है। इस रिकॉर्ड बनाने के बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। सिद्धि आगे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाना चाहती है। सिद्धि बरोले ने बताया कि मेरे पास 7 विधाएं हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, लामा फेरा मास्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, 7 चक्रा हिलर, वास्तु कंसल्टेंट जैसे विधाओं से मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करती हूँ। सिद्धि ने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई शहर की माइक्रोविजन एकेडमी से की है, जिसके बाद उन्होंने BBA इंदौर से किया और MBA की पढ़ाई मुंबई से पूरी की है। सिद्धि का कहना है कि अभी फिलहाल मैं ये रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, आगे मैं क्रिस्टल थेरेपी और रेकी ग्रैंड मास्टर के तहत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। सो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैंने अप्लाई किया था फॉर यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर एट द एज ऑफ 19। तो जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है, वैसे ही एक इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स था। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो जब मैंने अप्लाई किया तो उसमें सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेलिंग डालनी पड़ती है और आप किस में रिकॉर्ड बना रहे हो वो भी आपको उसमें ऐड करना पड़ता है। देन रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों के बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे पास मेल आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो अभी आपको कुछ प्रूफ्स देने पड़ेंगे अपने, कि आपने कब सीखा और जो आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, तो सारी चीज़ें फिर हमें देनी पड़ती है। तो इस प्रोसीजर में करीबन 2 महीने तो लगते ही है, क्योंकि वो बहुत ही डीपली रिसर्च करते हैं प्रूफ्स जमा करने में और देखते हैं सब चीज़ों को। उसके बाद फिर रिजल्ट आता है कि हाँ फाइनली इसमें एलिजिबल हूँ। तो 2 महीनों के बाद मेरे पास मेल आया कि आपका इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में फाइनली आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें एक पर्सन था 21 ईयर्स का जिसने टैरो कार्ड रीडर में बनाया था, तो फाइनली मैंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया क्योंकि मैं 19 ईयर्स की एज में ही बन गई थी। सो सितंबर में, अभी जैसे ही मेल आया अगस्त में, उसके बाद सितंबर में मेरा जो फ्रेम और मेडल ये सब है उन्होंने कुरियर कर दिया था। अब दिसंबर में हमें अवार्ड शो के लिए बुलाएंगे, जहां पर सेलिब्रिटी से हमें अवार्ड मिलेगा इन अमृतसर, और एक मोमेंटम देंगे। ओके, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ही साइट है, वेबसाइट थी, जिसमें हम डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, तो हमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपने सर्टिफिकेट्स हमें ऐड करने पड़ते हैं।